असम के विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जारी मसौदे के विरोध में कांग्रेस सहित विभिन्न दल संगठनों ने आज बराघाटी बंद का आह्वान किया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य संगठनों के बंद का सिलचर में कोई असर नहीं दिख रहा। लोग नियमित रूप से अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी नियमित रूप से दुकानें खुली हैं। पुलिस ने लोगों से बंद के आह्वान को नहीं मानने की अपील की है और कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बंद का आह्वान गैर कानूनी है, इसीलिए लोग इसे नहीं माने और निर्भय होकर घरों से बाहर अपने काम के लिए निकले। हालांकि बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने सिलचर सहित पूरे बराघाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सिलचर शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर से लेकर पूरे शहर में सुरक्षा बलों की गश्ती देखी जा रही है। और यहां बता दें कि मसौदे में बराघाटी के 15 विधानसभा सीटों को घटाकर 13 कर दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। और वहीं बंद के समर्थन में असम प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और करीमगंज उत्तर के विधायक कमलाक्ष देवपुरकायस अपने समर्थकों के साथ दुकानों को बंद करवाते भी देखे गए। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विक्रम सरकार के साथ, जो सिलचर की हालिया स्थिति हम तक पहुंचा रहे हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे किस तरह का वहां माहौल है। जी हाँ दुलुमनी, किसी भी दूसरे दिन की तरह सिलचर में भी आज नॉर्मल सी है। जैसे कि कहा जाता है कि सुबह देखकर आप समझ जाओगे कि दिन कैसा चलने वाला है। हम लोग देखे हैं सुबह से ही जो बाजारें हैं, जो फल के बाजार हैं, सब्जियों के बाजार हैं, मच्छियों के बाजार हैं, सारे खुल चुके हैं ऑलरेडी। जो मेन मार्केट है फटक बाजार, जो केंद्र है, सेंटर है, एपी सेंटर है, वो भी खुल चुका है। और जो हर एक दुकान, हम लोग जानते हैं कि 10-11 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं। और थोड़ा विश्लेषण लेने के लिए हमारे साथ हैं कछार के जो SP हैं नुमाल महतो, वो हमारे साथ है। तो सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से सुबह दोपहर शाम रात आप लोग कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग में हो, और आज का ये जो बंद जो कुछ संगठनों ने बुलाया है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी ने बुलाया है, वो वहाँ पे कारगर नहीं होता दिख रहा है कछार में, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी दो बंद जो है, बंद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कम्प्लीटली बैन किया हुआ है। और आज का जो बंद है, हम लोगों सुबह से हम लोगों ने देखा लोगों को, हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने हर जगह पे हमारा पुलिस बंदोबस्ती है, तो लोगों ने हर जगह पे जैसा फिश मार्केट हो, वेजिटेबल मार्केट हो, या जो फटक बाजार हो, हर जगह पे आप देखिए दुकान खुला है। व्हीकल्स आर फ्लाइंग और रेलवे स्टेशन आज मतलब नॉर्मल चल रहा है, और जो प्लेन्स है वो भी एयरपोर्ट नॉर्मल चल रहा है, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। और हम लोगों का ये देखा गया तो जो जितने लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो दिन मजूरी करने वाला लोग भी है, हर लोग अपने अपने नॉर्मल जैसे थे लोग निकल के काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा नॉर्मल सी है, और अभी तक पूरे जिले में अभी तक एवरीथिंग इज पीसफुल। जिस तरह से आप लोग गश्त लगा रहे थे 2-3 दिनों से, क्या कोई आशंका थी कि कोई गड़बड़ी हो सकती है या उसे रोकने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है क्या? और साथ ही साथ क्या बाहर से भी फोर्सेस मंगवाए गए हैं? देखिए, फोर्सेस है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी गुवाहाटी से आए हुए हैं, श्री अखिलेश कुमार सिंह IGP सर हैं, वो भी यहाँ पे हैं। और हर लोगों के जितना भी लोग हैं, हम लोगों ने सबसे बात किया है, मीटिंग किया है। और जैसे हम लोगों का यही है कि जो लोगों के मन में जो भय संगत आ रहे हैं और लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसलिए हम लोगों ने ये पेट्रोलिंग किया। अभी भी हम लोग हर जगह पे हमारे लोग तैनात हैं, सुबह 4 बजे से हर जगह पे है। और लोग जो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल तौर पे लोग आ रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। और हम लोग चाहेंगे कि लोग ये नॉर्मलसी को कायम रखें। आखिरी सवाल आपसे, हमने देखा ये पहली बार है कि हम लोग जब से घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई पिकेटर्स हम लोगों को नजर नहीं आया अभी तक। नॉर्मल लाइफ जैसे बाजार कर रहे हैं लोग, अब आज पूजा भी है, तो क्या आप लोगों ने किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कछार के कोई पिकेटर्स आप लोगों ने धरे हैं या निकले थे ऐसा, या आप लोगों ने बंद किया है? नहीं, सुबह से देखिए कुछ कुछ जगह पे जैसे काटीगढ़ा है, क्लाइन है, ये सब जगह में कुछ पिकेटर्स निकले थे और बरखुला में भी निकले थे। हम लोगों ने अभी तक करीब 30 लोगों को अरेस्ट किया है, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। और बाकी एवरी हर जगह पे मतलब हमारा पेट्रोलिंग और हमारा मतलब चल रहा है,
एरिया डोमिनेशन चल रहा है और लोग नॉर्मल सी लोग कायम रखे। सो दुलमुनी, आपने सुना कछार के एसपी धूमल महतो को। बराक घाटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे तीन जिले हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो साउदर्न असम के बराक घाटी है उसमें तीन जिले आते हैं, हाइलाकंदी, करीमगंज और कछार। कछार में हम लोगों ने देखा है कि अभी तक नॉर्मल सी है, हर दिन की तरह दिनचर्या लोग अपने बाजारों में निकल रहे हैं, पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर हम करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में पार्शियल, जिसे कह सकते हैं पार्शियल बंद का प्रभाव गिरता नजर आ रहा है। और ये भी कहना जरूरी है कि मंगलवार का जो दिन होता है, हमेशा मंगलवार को करीमगंज के दुकानें जो हैं वो बंद रहती हैं, वो भी एक फैक्टर है। और हाइलाकंदी में भी पार्शियल इफेक्ट जो बंद का है वो देखा जा रहा है। लेकिन कछार में अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह से ही जो बाजारें हैं वो खुल चुकी है और आप देख सकते हैं नॉर्मल गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने कामों में, घरों से निकल के कामों में जा रहे हैं। दुलमुनी जी, विक्रम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ जैसा कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, कमलाक्ष प्रकाश जो है वहाँ पर बंद करवा रहे हैं, लोगों को वापस घर भेज रहे हैं, ई रिक्शा को रोकते हुए भी देखा गया है, क्या इस तरह की तस्वीरें कहीं और से भी सामने आई हैं, क्या कांग्रेस कहीं और भी इस तरह से लोगों को वापस घर भेज रहे हैं? जैसे कि एसपी ने कहा कि कछार के जो पहले 15 अभी 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कछार में जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें काटीगोड़ा और जो क्षेत्र है वहाँ के काटीगोड़ा एरिया और कलाइन एरिया में कुछ पिकेटर्स निकले थे, बोरकुला क्षेत्र में कुछ पिकेटर्स निकले थे, 30 जनों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। लेकिन कछार में ऐसी कोई वारदात होती नजर नहीं आई है अब तक कि कोई लोग निकल के रास्तों में कोई गाड़ियां रोके या दुकानें बंद कर दें या बाजार को बंद कर दें, ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है कछार से। यहाँ पे पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे गश्त लगा रही है। हाइलाकंदी से भी अभी तक ऐसी कोई वारदात नजर नहीं आई है, सिर्फ करीमगंज को छोड़ के अभी तक करीमगंज में ही ये एक वारदात जो है जहां पे देखा गया है कमलाक्ष देवप्रकाश अपने समर्थकों के साथ निकल के बंद को मानने के लिए यहां पे काम प्रक्रिया जो है वो चला रहे थे। और बाकी बराक घाटी के किसी भी जगह से अभी तक ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है, शांत रूप से अभी तक माहौल है, बहुत नॉर्मल सी बनी हुई है। दुलमुनी जी, विक्रम आपसे जाना चाहेंगे कि आप वहाँ स्थानीय लोगों से बात की होगी, आपने उन लोगों का क्या कहना है इस बंद को लेकर और परिसीमन को लेकर? दुलमुनी, यहाँ पे एक मिक्स्ड प्रतिक्रिया है बंद को लेकर। अगर हम जैसे आम लोगों से बात करते हैं जो डेली वेजर्स हैं या नॉर्मल दुकान चला रहे हैं, ऐसे अगर लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि ये डिलिमिटेशन क्या है, क्यों हुआ है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो दिन डेली जिंदगी जो है वो उनकी ऐसे ही चलेगी जैसी चल रही थी। हाँ, कुछ लोगों में एक खोब है कि 15 से घटाकर 13 कर दी गई है। हालांकि ये जो परिसीमन है, ये प्रपोजल ड्राफ्ट है, लोगों को भी ये अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी। तो लोग यहाँ पे एक मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, किसी को ये पसंद आ रही है, किसी को नापसंद है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे कुछ लोग हमसे ये बात करते हुए नजर आए कि इससे उनकी जिंदगी में कोई असर पड़ती नहीं नजर आती है। ये लोग हमसे कहते हैं कि शायद वही लोग कर रहे हैं जिनकी लग रही है कि उनकी सीटों में कमी होगी, बट नॉर्मली जो एवरीडे लाइफ है लोगों की वैसी रहने वाली है जैसी हमेशा से चलती आ रही है। तो लोग उसको पूरी तरह से समझने में, आखिर डिलिमिटेशन से उनकी क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या उनके आने वाले भविष्य को मिल सकता है, उसको लेके उतने भी ज़्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, एज ए होल नॉर्मल है पूरा जो सिचुएशन है, जो माहौल है।